राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि बदमाशों में पुलिस का कोई भय नहीं रह गया। बदमाश आए दिन लूट, हत्या, स्नैचिंग जैसी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर इलाके के पांचाल बिहार का है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े एक हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले व्यापारी से पिस्टल की नोक पर कई लाख रुपए की लूट को अंजाम दे डाला। सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बदमाश पिस्टल की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। व्यापारी के अनुसार बदमाशों ने सोने की अंगूठी, सोने का कड़ा और गले में रखे 30,000 रुपए लूट लिए। वहीं इस घटना को 24 घंटे का समय भी नहीं बीता होगा तभी बाइक सवार दो स्नेचरों ने टीवी रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले दुकानदार से इसी इलाके की सड़क पर उनके गले से सोने की चैन झपट कर फरार हो गए। मेरे साथ सर 3 तारीख को 1:30 बजे हम दोनों भाई दुकान पे बैठे थे, दो हमारे बच्चे थे, तो यहाँ रस्सी भी हमने बांध रखी थी गेट पे, एक व्हाइट कलर की अपाचे बाइक दोपहर को 1:30 बजे करीब वहाँ पेड़ के नीचे आके रुकी है। हमने अपना लड़का भेजा बाहर देखने पर, देखो कौन है, तो इतने लड़का बाहर गेट पार करा है, इतने में वो दो बदमाश टाइप के बंदे आए, इस बंदे को बच्चे को भी अंदर कर लिया और दोनों ने यहाँ पिस्टल निकाल के वो सबसे पहले यहाँ मेरे से कह के बोले हैं कड़ा निकाल और जल्दी से ये भी निकाल अंगूठी वंगूठी जो भी है, और उसके बाद उन्होंने जो लूटपाट जैसे करी है तलाशी लिए, गले को भी खींचातानी करी है उन्होंने, और 20-25 हजार रुपए करीब जो कैश था हमारे पास जेब में और गले का लगा के वो भी वो ले गए, और मेरे भाई की जेब में से भी 800 रुपए उन्होंने ले लिए, और दोनों के हाथ में पिस्टल था और दोनों ने मतलब मास्क वगैरह और हेलमेट वगैरह लगा रखा था, और 2-3 मिनट में ये सारा काम हुआ जी। बात करी जाए यदि पुलिस की गश्त, किस तरीके की गश्त रहे? पुलिस की गश्त तो किसी तरीके की नहीं है, तो सुबह से शाम तक कोई दिखता नहीं पुलिस वाला नाले पे, यहाँ मुकदमा दर्ज, मिलावट का घर जाता दिख जाए बात अलग है। मुकदमा दर्ज हो गया आपका? हाँ जी, वो परसों 92 अगान लगे हैं, और तो मेरे को इतना मालूम नहीं है कि भाई मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ अभी। सुनने में आ रहा है कि लास्ट में कुछ बदमाश आपसे कह के भी गए थे, क्या कह गए? बदमाश मेरे से बोल के गए थे कि हम भूखे मर रहे हैं, अब हम यही काम करेंगे और तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, मुकदमा कंप्लेंट कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। जाते हुए कार्ड, मैं कहा भाई ये जो तू पर्स मेरा लेके जा रहा है इसमें मेरा कार्ड भी है, एटीएम वगैरह, कह रहा चुप बैठ यहीं कुछ नहीं मिलेगा, और उसके बाद वो बाहर निकले कि कमारी मुझसे हेल्प मारा, और दो मिनट का एक मिनट भी नहीं लगा सेकंड भी। सर मैं घर पे सो रहा था जी, मेरी बिटिया दुकान में बैठी थी, दो लड़के आते बाइक पे, पल्सर बाइक पे, और वो बोलते टीवी ठीक कराना है, बिटिया मुझे अंदर से बुला के लाई। जब मैं यहाँ दुकान पे आया, दो लड़के एक बाइक स्टार्ट करके खड़ा था, दूसरा लड़का मेरे से तार मांगा उसने, मैंने उसको तार दिया, फिर बोला ये वाला तार नहीं चाहिए, दूसरा तार चाहिए, मैंने जैसे गर्दन घुमाई अंदर की तरफ को, तो उसने पीछे चैन पे ऐसे झपट्टा मारा, पहले में टूटी नहीं, दूसरा मारा तोड़ कर, इतने पीछे भागो बाइक पे बैठ कर भाग गया, दो बंदे उसके पीछे भी थे बाइक पे, वो भी नहीं खराब थे। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? ये सर 250 के लगभग मेरी चैन थी, अठन्नी बरपस में लोग था। कुछ हथियार वत्यार के बल पे लूट हुई थी या फिर ऐसी चैन स्नैचिंग? और भी कोई घटना हुई? हाँ सर, 24 घंटे में नहीं है, मेरी 3:30 घटना हुई है, और अगले दिन 1 बजे 4 दुकान छोड़ कर मेरे दुकान है पंडित जी की, उनके पिस्टल रखे उनकी छाती पे, उनसे चले गए। बात करी जाए यदि पुलिस की गश्त की बात करी जाए तो पुलिस किस तरीके की करावल नगर क्षेत्र में गश्त कर रही है? नहीं होगी अब तक, फिर उन्होंने गश्त चालू ही नहीं करी इस रोड पे, 2 घंटे 2 वारदात हुई फिर भी गश्त चालू नहीं करी अब तक। क्या कहते हो, कहीं ना कहीं पुलिस की कुछ ढिलाई मानते हो? बहुत बुरी सिचुएशन है सर पुलिस की, 2 घटना होने के बाद भी अब तक पुलिस चालू नहीं करी, एक भी चले, 1-2 गश्त लगवा रहे सुबह शाम में।
अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है। इस घटना के चलते इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज के अनुसार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्लीबख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।